हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रैक्टिकल एंथोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है, क्रैनियोमेट्री मेजरमेंट्स के बारे में। एंड इस मेजरमेंट्स में देखेंगे क्या क्या टर्म्स, इसके नेम्स क्या है, लैंडमार्क्स क्या है, डिफिनेशन क्या है, एंड उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। क्योंकि मेजरमेंट की बात है तो हर मेजरमेंट के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की हमें नीड होती है। फर्स्ट जो मेज़रमेंट है, मैक्सिमम क्रैनियल लेंथ। पहले हम समझेंगे क्रैनियोमेट्री मेजरमेंट्स क्या है। तो क्रैनियोमेट्री मीन्स होता है स्कल, मीन्स स्केलेटन, बोन्स के जो हम स्टडी करते हैं, स्केलेटन की जो हम स्टडी करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, वो सारे मेजरमेंट्स क्रैनियोमेट्री में आ जाएगा। सोमेटोमेट्री की बात करेंगे तो उसमें लिविंग बींग्स होते हैं, यानी जीवित व्यक्ति हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हम क्रैनियोमेट्री मेजरमेंट्स की बात करें तो इसे जीवित इंसान सब्जेक्ट के रूप में नहीं होते, हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा होता है यहाँ पे स्केलेटन, यानी स्कल बोन्स की क्या मेजरमेंट्स लेके कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसका स्टडीज क्रैनियोमेट्री मेजरमेंट्स में होता है। और हर मेजरमेंट्स के लिए एक नेम है, डिफिनेशन है एंड इंस्ट्रूमेंट्स है। फर्स्ट जो मेजरमेंट है वो है मैक्सिमम क्रैनियल लेंथ, यानी स्कल का मैक्सिमम क्रैनियल लेंथ हमें लेना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, एंड उसका लैंडमार्क मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा। तो G2OP ये लैंडमार्क हो गया। तो ये G2OP जो मेजरमेंट हम करते हैं स्कल का, तो क्या हो गया, तो डिफिनेशन देखेंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट बिटवीन द टू सुप्राऑर्बिटल रीजेस अबव द फ्रंट नेजल सूचर इन द मिड सजाइटल प्लेन इज कॉल्ड ग्लेबुला, एंड द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लेबुला टू द ऑपिस्थोक्रैनियन। यानी कि जो उसका लैंडमार्क है, यानी किसी भी स्कल का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हम स्पेडिंग कैलिपर यूज़ करेंगे। एंड कहाँ से कहाँ मेजरमेंट करेंगे तो लैंडमार्क लेते हैं G2OP। जी से होता है ग्लेबुला, ये दो आईब्रोज के बीच का जो एरिया होता है सरफेस को हम बोलते हैं ग्लेबुला। एंड बैक साइड में लेंगे ओपी का फुल फॉर्म हो गया ऑपिस्थोक्रैनियन। नेक्स्ट जो मेजरमेंट है मैक्सिमम क्रैनियल ब्रेथ, यानी लेंथ एंड ब्रेथ क्या है। लेंथ के लिए हमने देखा G2OP यानी ग्लेबुला टू ऑपिस्थोक्रैनियन, एंड ब्रेथ की बात करेंगे स्कल का तो इसका लैंडमार्क हो जाएगा EU to EU, यानी द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द टू मीडियन पॉइंट्स इज कॉल्ड MC ब्रेथ, यानी मैक्सिमम क्रैनियल ब्रेथ। एंड स्प्रेडिंग कैलिपर से उसे उसका मेजरमेंट लेंगे। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट मैक्सिमम फ्रंटल ब्रेथ, यानी उस स्कल का फ्रंटल ब्रेथ कितना है वो मेजरमेंट करेंगे हम CO to CO, यानी लैंडमार्क हो गया। द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नल टू द अदर, एंड इसके लिए भी हम स्प्रेडिंग कैलिपर हम इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है नेजल हाइट, यानी N to NS। डिफिनेशन है द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द नेजल टू द नेसोस्पैनल, एंड यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट स्लाइडिंग कैलिपर। नेक्स्ट है अपर फेसल हाइट, यानी फेस की हाइट देखेंगे, उसका लैंडमार्क है N to PR, यानी द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द नेजल टू द प्रोस्थियन, एंड यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वह स्लाइडिंग कैलिपर। नेक्स्ट जो मेजरमेंट है बायजाइगोमेट्रिक ब्रेथ, एंड इसका लैंडमार्क है ZY to ZY, यानी द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन जेकिन टू द अदर, एंड स्लाइडिंग कैलिपर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बेसियो ब्रेगमेटिक हाइट, यानी BA to B, एंड डिफिनेशन द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द बेसियो टू द ब्रेगमा, स्लाइडिंग कैलिपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ स्कल्स, G2OP to Z, दिस मेजरमेंट्स गिव्स द मैक्सिमम सर्कमफेरेंस ऑफ द स्कल इन वन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड इस मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे टेप, यानी सर है तो मेजरमेंट करते हैं जी से, यानी ग्लेबुला से लेकर ऑपिस्थोक्रैनियन, एंड वहाँ से फिर हम ग्लेबुला तक आएंगे और इस मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे टेप। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखें क्रैनियोमेट्री मेजरमेंट्स क्या है, उसमें कौन कौन सा टर्म्स आता है, लैंडमार्क क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की नीड होती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।